नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 336 बड़े बालू घाटों की अब तक हो सकी ई नीलामी। 16 अक्टूबर से 190 घाटों पर हो रहा बालू खनन। नवंबर से 217 बालू घाटों पर खनन की संभावना। छठ के नाम पर इमोशनल हुए पंकज त्रिपाठी, इस बार छठ में बिहार नहीं आ पाएंगे पंकज त्रिपाठी। बताया, पूरी आस्था से छठ का त्योहार मनाएंगे। बिहार में सोलर उत्पादों का होगा रिटेल वितरण। अडानी ने ईना सोलर से की साझेदारी। लोगों को मिलेगा विश्व स्तरीय सोलर तकनीक का लाभ। बिहार पर्यटन में बात होगी मछली तालाब की। बिहार के मुंगेर जिले में है स्थित सफेद संगमरमर की चट्टान से बनी है मंदिर। आज प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की है संभावना। बारिश के कारण तापमान में हुई गिरावट, जाने प्रदेश के मौसम का मिजाज। हफ्ते में एक दिन फोन से बनाए दूरी, फोन की परफॉर्मेंस होगी बेहतर। मानसिक तनाव से भी मिलेगी मुक्ति। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में समी का नहीं आया नाम। टखने में चोट के कारण समी को टीम में नहीं मिली जगह। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए समी ने फैंस से मांगी माफी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टेरिटोरियल आर्मी ने 60 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.jointerritorialarmy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड WPM और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 WPM होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रदेश के 16 जिलों में 336 बड़े बालू घाटों की ई नीलामी अब तक नहीं हो सकी है। खान एवं भूतत्व विभाग के फैसले के मुताबिक इन घाटों का आकार छोटा कर नए सिरे से पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी, फिर नीलामी होगी। बालू खनन की नई नियमावली के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति के लिए एजेंसी नियुक्त की जाएगी या अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा। 16 अक्टूबर से पटना सहित 1.5 दर्जन जिलों के 190 घाटों से बालू खनन शुरू हो चुका है, जबकि 27 घाटों में प्रक्रिया जारी है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही कि नवंबर तक 217 बालू घाटों से खनन शुरू हो सकता है। विभाग ने निर्देश दिया है कि बालू खनन का दैनिक अपडेट भेजा जाए। अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंबा, औरंगाबाद और गुरुआ में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए हैं और संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मछली तालाब की। इसे गोयनका शिवालय मिर्ची तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के मुंगेर में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर की खूबसूरती देखते बनती है। मंदिर के चारों तरफ तालाब देखने को मिलेगा, जिसमें कई सुंदर मछलियाँ तैरती नजर आएंगी। मंदिर के परिसर में बगीचे का निर्माण भी किया गया है, जहां कई किस्म के पेड़ पौधे और फूल देखने को मिलेंगे। शिवरात्रि या सावन महीने के दौरान यहां से भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा देखने को मिलता है। 28 अक्टूबर यानी आज गोवत्स द्वादशी और रमा एकादशी मनाई जाएगी। माता और संतान का संबंध अत्यंत सुंदर होता है और हर माता की इच्छा होती है कि उसके संतान को लंबी उम्र और सुखी जीवन मिले। इसी इच्छा के साथ कई महिलाएं गोवत्स द्वादशी का व्रत करती हैं, जो कि पुत्र सुख और समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और इसका मुहूर्त शाम के 5:39 पर रात के 8:13 तक रहेगा। गोवत्स द्वादशी पर गाय माता और बछड़े की पूजा का विधान है, जो संतान को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिलाने में सहायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को सच्चे मन से करने से संतान के जीवन में कोई दुख नहीं आता है। सटीक मुहूर्त की जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ से आप सलाह ले सकते हैं। दिवाली के बाद बिहार के लोगों को छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो इस साल 5 नवंबर से शुरू होगा। बिहार से संबंध रखने वाले बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वे इस बार मुंबई में छठ मनाएंगे, जबकि उनकी भाभी पटना में पूजा करेंगे। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि छठ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने इस पर्व की पवित्रता और अपने बचपन की यादों को साझा किया। हाल ही में पटना में फणीश्वर नाथ रेणु की शॉर्ट फिल्म
लॉन्चिंग पर पहुंचकर पंकज त्रिपाठी इमोशनल हो गए थे। पटना के सीजीएम कोर्ट ने शनिवार को पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है। इस पर रविवार को पटना डीएम ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और बताया कि कुछ समाचार पोर्टल पर बबलू कुमार उर्फ बबलू प्रकाश के परिवार पर न्यायालय द्वारा आदेश का समाचार प्रसारित हुआ है। डीएम ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बबलू कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया था। यदि प्रशासन का पक्ष सुने बिना कोई प्रतिकूल आदेश जारी हुआ है तो वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। भारत की सबसे बड़ी सोलर निर्माता कंपनी अडानी सोलर ने बिहार में सोलर उत्पादों के रिटेल वितरण के लिए ईना सोलर के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से अडानी सोलर का रिटेल नेटवर्क 3,500 से अधिक शहरों में फैल जाएगा। इस पहल से बिहार के लोग विश्व स्तरीय सोलर तकनीक का लाभ ले पाएंगे। अडानी सोलर के ऑफ ग्रीड और ऑन ग्रीड सोलर पैनल्स से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कमी और बिजली कटौती से राहत मिलेगी। ईना सोलर ग्राहकों को मुफ्त परामर्श, स्थापना सेवा और बाद की मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। ये साझेदारी बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को मजबूत करेगी और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का सपना साकार होगा। राज्य में 0 से 6 साल के 41% बच्चों में बौनेपन की समस्या है, जबकि 0 से 5 साल के 23% बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर पाए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर सितंबर में पोषण माह मनाया जाता है, जिसमें बच्चों की वृद्धि मापी जाती है। इस प्रक्रिया में 1,14,935 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हुए, जहाँ 90,88,458 बच्चे मापे गए। वृद्धि माप रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिले में 49% बच्चों में बौनापन देखा गया, जबकि जमुई, औरंगाबाद, समस्तीपुर और शिवहर में ये आंकड़ा 47% है। पटना में 39% बच्चों में बौनेपन की समस्या मिली। बौनापन के प्रमुख कारणों में वृद्धि, हार्मोन्स की कमी, खराब खान पान और गतिविधियों का अभाव होना शामिल है। स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जो हर समय हमारे साथ रहता है, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक बार इसे बंद करना फायदेमंद हो सकता है। स्मार्टफोन को नियमित रूप से बंद करने से बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। ये रैम को रिफ्रेश करता है, जिससे फोन स्मूथ चलते हैं। इसके अलावा फोन के गर्म होने की समस्या कम होती है। जब हम फोन को रिबूट करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स सही से इंस्टॉल होते हैं और कैसे मेमोरी क्लियर होने से फोन की स्पीड भी बढ़ती है। अंत में इसे बंद करने से हमें डिजिटल दुनिया में थोड़ी राहत मिलती है, जिससे मानसिक तनाव भी कम होता है और वास्तविक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का भी मौका मिलता है। पटना से बेगूसराय और उससे आगे जाने का रास्ता पहले से और आसान हो गया है। दरअसल गंगा पर एक नया मेगा ब्रिज ओंटा से सिमरिया के बीच बनकर तैयार हुआ है। पुल का निर्माण 1,161 करोड़ रुपए में हुआ है। ये 6 लेन वाला पुल बख्तियारपुर मोकामा ग्रीनफील्ड सड़क का हिस्सा है, जो पटना से बेगूसराय के बीच निर्बाध संपर्कता सुनिश्चित करेगा। बख्तियार से एक रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी का निर्माण भी चल रहा है, जिसकी अनुमति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से कई जिलों को लाभ मिलेगा और पुराने जर्जर राजेंद्र सेतु पर जाम की समस्या समाप्त होगी। पुल की फिनिशिंग का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रा सुगम होगी। वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज करवाने के कई फायदे हैं। इससे आपको सूचना और अलर्ट मिलेगी, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, सुरक्षा और वाहन चोरी की स्थिति में मदद मिलेगी, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तुरंत जानकारी मिलेगी, डिजिटल दस्तावेजों की सुविधा मिलेगी, लाइसेंस और वाहन पंजीकरण संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी और वाहन बीमा व आरटीओ से जुड़े अपडेट मिलते रहेंगे। आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज करने या सुधार करने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके लिए आप परिवहन विभाग की वेबसाइट से मिले QR कोड को स्कैन करेंगे। ये आपको विभाग के एक्स प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। फिर वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें या संबंधित RTO का चयन करें। सत्यापन चेकबॉक्स को क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करें। मांगे जा रहे जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दें। फिर आपका फोन नंबर यहाँ अपडेट हो जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने वैशाली जिले के 2 विद्यालयों में शिक्षिकाओं को विषय के सरल शब्द सही से नहीं लिख पाने पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुमारी गीता जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर में शिक्षिका हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उन्होंने हिंदी के सरल शब्दों को सही रूप से नहीं लिखा था। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय इतवारपुर सिसौला की शिक्षिका चंद्रा कुमारी से संस्कृत के वाक्य का अनुवाद नहीं कर पाने पर सवाल उठाया गया है। दोनों शिक्षिकाओं को 3 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन लोग धन से जुड़ी वस्तुओं की खरीद करते हैं, जिससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। धातु के रूप में लोहे की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शनि और राहु से संबंधित है, जो घर की शांति को भंग कर सकता है। कांच की चीजें जैसे सजावट के सामान या बर्तन रिश्तों में दरार ला सकती हैं। इसके अलावा पुरानी वस्तुओं की खरीदारी से घर में कलह बढ़ता है। अंत में प्लास्टिक की चीजें भी धनतेरस पर ना खरीदें, क्योंकि ये जीवन में धन की कमी ला सकती है। ध्यान रखें, हमने ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बताई हैं। बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को केंद्रीय अनुदान के लिए नैक से मूल्यांकन करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस दिशा में शिक्षा विभाग नैक मूल्यांकन से पिछड़ रहे संस्थानों को सुधारने के लिए कदम उठाएगा। विभाग एक टीम बनाएगा जो कॉलेजों के प्रदर्शन का अध्ययन करेगी और जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों का अकेडमिक अंकेशन भी किया जाएगा, जिससे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर यह समझा जाएगा कि सरकार की मदद के बावजूद संस्थान नैक में क्यों पिछड़ रहे हैं। इसके लिए प्राचार्यों को सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। पाठ्यक्रमों की समीक्षा और नए पाठ्यक्रम की जरूरत भी देखी जाएगी। चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है। हालांकि अब दाना तूफान का असर कम हो गया है, लेकिन बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में कई जगहों पर आज भी बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना दिवाली तक जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के जमुई जिले में फर्जी IPS मिथिलेश मांझी एक बार फिर सुर्खियों में है। उसकी नई फिल्म फर्जी IPS का ट्रेलर YouTube पर रिलीज हो चुका है और इसे 97K से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होगी। मिथिलेश पहले तब चर्चा में आया था जब वो IPS की वर्दी में लोगों के बीच घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसने दावा किया था कि मनोज सिंह नाम के व्यक्ति ने उसे IPS बनाने का वादा किया था, जिसके लिए उसने 2.30 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जाँच में उसकी बात झूठी साबित हुई। अब वो एक गायक से अभिनेता के रूप में भी सामने आ रहा है और उसकी फिल्म इसी फर्जी पहचान पर आधारित है। शराब बंदी के बावजूद पटना में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से लाखों रुपए की शराब बरामद की गई है। 12 कार्टन में 207 बोतल अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से पार्सल के जरिए भेजे गए थे, जिसके अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों के अनुसार ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक को पार्सल संदिग्ध लगने पर बाईपास पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि शिवाजी कॉलोनी स्थित कुसुम विहार विनय रोड लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि चंडीगढ़ से आए पार्सल में कुछ असामान्य चीजें हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जब कार्टन खोले तो उसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें पाई गई। पुलिस ने शराब जब्त कर ली और अब इसे धंधे में शामिल लोगों की जाँच की जा रही है। सोमवार यानी आज पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक NDA यानी NDA की महाबैठक आयोजित की जाएगी, जो CM नीतीश कुमार के आवास पर होगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बैठक में NDA के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने आगामी उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत का दावा किया, ये कहते हुए कि विकास के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार को समर्थन मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीत रहे हैं, हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। लोगों को पता है कि डबल इंजन की सरकार विकास पर वोट मांग रही है, कई काम अभी होने बाकी हैं, इसलिए विकास को वोट करना है, NDA जरूरी है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे उसामा शहाब राजद में शामिल होने पर तेजस्वी यादव और उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोनों ही काफी खुश हैं। तेजस्वी यादव ने उसामा को हरी टोपी पहनाई और पोस्ट में लिखा, जीत रहे हैं हम, जीत रहा है बिहार। इस अवसर पर तेजस्वी ने कहा कि हिना और उसामा के राजद में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, जिससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समाज में नफरत फैला रही है,
वहीं लालू प्रसाद ने कहा कि ये लोग हमसे दूर नहीं थे बल्कि अब पहले से और भी करीब आ चुके हैं, तो ये अच्छी बात है। माना जा रहा है कि हिना और ओसामा के पार्टी में शामिल होने के बाद राजद को मुस्लिम वोटों में फायदा होगा, खासकर सिवान और छपरा क्षेत्रों में। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के पिता प्रणब पांडे बीते दिन जदयू पार्टी में शामिल हो गए। ईशान किशन के पिता को पार्टी की सदस्यता जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिलाई है। इस अवसर पर प्रणब ने कहा कि वो जदयू परिवार के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें घर वापसी का अवसर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों को सराहा और कहा कि वे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। संजय झा ने बताया कि प्रणब पहले भी जदयू के सदस्य रह चुके हैं लेकिन बेटे को क्रिकेट करियर में मदद के लिए कुछ समय सक्रिय नहीं रहे। ईशान किशन ने अपने खेल से देश और बिहार का नाम रोशन किया है। भाकपा माले ने रविवार को मिलर हाई स्कूल मैदान में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प दिलाया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में बाढ़ आई तब मुख्यमंत्री चुनावी रणनीति में व्यस्त थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार गरीबों की जमीनें छीनकर कंपनियों को देने के लिए लैंड बना रहे हैं। सांसद राजाराम सिंह ने भाजपा पर देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को देने का आरोप लगाया। अन्य नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, चेतावनी दी कि यदि स्मार्ट मीटर एक महीने में वापस नहीं हुआ तो बिहार बंद होगा। भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कमजोर हुई हैं। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच भी हार गया। अब उनकी आखिरी उम्मीद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जिसमें उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए घोषित 18 सदस्यीय स्क्वाड में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। शमी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करने का उल्लेख किया था और फैंस से माफी मांगी। उनकी तकनीकी चोट के चलते बीसीसीआई ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1867 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का आयरलैंड में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1627 में अकबर के बेटे जहांगीर का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस में पहुंची थी। आज के दिन वर्ष 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी। आज के दिन वर्ष 1930 में भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान का जन्म हुआ था। मौसम में बदलाव के साथ सर्दी का मौसम करीब आ गया है और गर्म पानी की जरूरत बढ़ने लगी है। लोग गीजर का उपयोग नहाने और बर्तन धोने के लिए करते हैं लेकिन गीजर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। गीजर को लगातार कितने घंटे तक चलाया जा सकता है ये जानना जरूरी है क्योंकि अधिक समय तक चलाने पर ये फट भी सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले गीजर को 102 घंटे तक चलाना सुरक्षित होता है जबकि 10 से 15 लीटर के गीजर को आधे घंटे और 25 से 35 लीटर के गीजर को एक घंटे तक चलाना चाहिए। आजकल ऑटोमेटिक गीजर में ऑटो कट ऑफ फीचर होता है जो ओवरहीटिंग से बचाता है। पुराने गीजर से आप एक घंटे से पहले या पानी गर्म होते ही इसे बंद कर दें ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है। दिवाली उजाले और खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में हर घर दियों और कई रंग बिरंगे लाइट से जगमग होते हैं लेकिन इस अवसर पर थोड़ी लापरवाही बरतने के कारण आग लगने की दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्डिंग में आग लगने के दौरान कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें बल्कि सीढ़ी से नीचे आने का प्रयास करें। ऐसी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर 0612-229-4204 या 205 है और टोल फ्री नंबर 1070 है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है कि हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। ऑप्शन ए है इंडियन क्रॉनिकल, ऑप्शन बी है हिमदरलैंड, ऑप्शन सी है द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द बिहार हेराल्ड। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है। ऑप्शन ए है छठ, ऑप्शन बी है जितिया, ऑप्शन सी है तीज, ऑप्शन डी है गोवर्धन पूजा। इसका सही उत्तर है छठ।
बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर है पटना। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? ऑप्शन ए अब है, ऑप्शन बी है विक्रांत, ऑप्शन सी है वीर, ऑप्शन डी है प्रहार। इसका सही उत्तर अब है। हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले मूलभूत एआई मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए हनुमान मॉडल, ऑप्शन ए है INDIA, ऑप्शन सी है एआई भारत, ऑप्शन डी है एवरेस्ट 1.0। इसका सही उत्तर एवरेस्ट 1.0। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है सोनू कुमार, अशोक चौधरी, विशाल, दीपक कुमार, राजीव कुमार, सोनू राय, बिट्टू कुमार, रवि कुमार गुप्ता, रोहित, एहसानुल्ला हक, अमरजीत कुमार, मनोज सिंह, विशेश्वर रविदास, सुरेश कुमार गुप्ता, विनोद शाह, अनुपम, जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको भी स्मार्टफोन की लत हो चुकी है? तो फोन की लत छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।